नमस्कार, उधर इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंक शास्त्र स्पेशल, ज्योतिष का हमारा कार्यक्रम, जिसमें हम मूलांक 5 की बात करेंगे। अभी तक हमने आपको मूलांक 1, 2, 3 और 4 के बारे में बताया था, और अब हम बात करेंगे मूलांक 5 की। मूलांक 5 की विस्तृत व्याख्या के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध अंक शास्त्री संगीता शुक्ला जी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, बीच में व्यस्तताओं की वजह से हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हम अपनी पुरानी सीरीज को पूरी करते हैं। हमने अभी तक 1 से 4 मूलांक तक की बात की थी, और अब बारी है मूलांक 5 की। तो संगीता जी, मूलांक 5 के बारे में कुछ बताएं। मूलांक 5 मतलब बुध ग्रह। मूलांक 5 जो है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और बुध ग्रह जो है वो ग्रीन होता है। जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड भी देख सकते हैं कि आज पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो बुध ग्रह का जो ये सिग्निफिकेंट है कि वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध ग्रह जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं लोगों से ये कहूंगी कि वो ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा पहने। 5 नंबर जिनका भी मूलांक है, 5, 14 और 23, ये जो 3 तारीख है, ये लोग जो आते हैं उनका मूलांक 5 माना जाता है। तो इन लोगों को सबसे पहले तो यही सलाह मैं दूंगी कि ये लोग ग्रीन कलर का अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करें। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 5, 14 और 23 में 3 कैटेगरी होती है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है नंबर 23। तो नंबर 23 जो है वो चंद्र और देवगुरु के मेल से बनता है, इसलिए वो टॉप पे रहता है। अच्छा, और नंबर 23 आपको हमेशा हमें बताती हैं कि जो मूलांक अलग अलग संख्याओं के योग से बनता है, उसमें कैटेगरी ए, बी और सी होती है। तो आप मूलांक 5 के लिए जो बेस्ट कैटेगरी है वो 23 नंबर की है, 2, 3। बिल्कुल जी। तो 23 नंबर जो है वो स्मृति ईरानी, किरण मजूमदार, विलियम शेक्सपियर, ये सभी लोग जो है वो 23 तारीख को जन्मे हैं। तो 23 तारीख जो है वो वैसे भी टॉप पे रहता है नंबर 5 मूलांक में, तो ये लोग भी अपने जीवन में सफलता जल्दी प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर 14। तो नंबर 14 जो है वो सूर्य और राहु के मेल से बनता है, बुध ग्रह। तो नंबर 14 है रोहित शेट्टी और हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो अब नवंबर का महीना चल रहा है, तो अब जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन पास ही है, और सभी लोग जानते हैं कि उनको बच्चों से बहुत प्यार था, फूलों से बहुत प्यार था, प्रकृति के वो बहुत करीब थे। तो 5 मूलांक वाले जो है वो प्रकृति से भी बहुत करीब होते हैं। और उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है दीपिका पादुकोण और विराट कोहली, ये इनकी नंबर 5 मूलांक वाले हैं ये लोग। मतलब नंबर 5 जो है वो कैटेगरी सी में आता है। हाँ जी। अब इसी में हम आगे कुछ और इनकी खासियत बताते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि 5 नंबर जो वाले हैं वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहते हैं। इनका दिमाग जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, ये लोग नई नई खोज में लगे रहते हैं। हमेशा इनको लगता है कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और एक्टिव बहुत होते हैं। तुरंत जल्दबाजी, इनको हर काम जो चाहिए वो चुटकी बजाते ही हो जाना चाहिए। तो इसका अगर मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूं चुटकी बजा के होने वाला, कि अगर वो कहीं जा रहे हैं और लिफ्ट का आप वेट कर रहे हैं, बटन दबाया, लिफ्ट आई नहीं। कभी कभी होता है कि भाई 14-15 माल की बिल्डिंग हो तो लिफ्ट को आने में भी टाइम लगता है, इनसे सबर नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे, चलो भाई चलो, 2nd-3rd फ्लोर तक ही तो जाना है, सीढ़ियां चढ़ जाती, इतनी जल्दबाजी होती है 5 नंबर वालों को। तो 5 नंबर वाले, एक तो हर काम उनको तुरंत करना होता है, ऊपर से इनको जल्दबाजी बहुत होती है काम की। तो ये इनका एक हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं कि भाई काम को तुरंत तुरंत करते हैं, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस ना हो।
तो 5 नंबर वालों को मैं एक तो यही सलाह दूंगी कि पेशेंस थोड़ा रखना सीखे, बहुत जल्दबाजी ना करें, और काम काम तो होना ही है लेकिन इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इनको कामयाबी बहुत सरलता से मिल जाती है, इनकी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, अपनी बातों से वो सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। तो ये इनकी खूबी और भी है कि भाई वाणी कम्युनिकेशन स्किल, इसलिए मीडिया में मोस्टली आपने देखा होगा कि 5 नंबर वाले जो है वो मीडिया में ज्यादा होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी होती है। नाम, शोहरत, पैसा, सभी कुछ इनको आसानी से मिल जाता है, हमेशा उच्च पद पर विराजमान होते हैं। आईएएस ऑफिसर्स भी आपने देखे होंगे, राजनीति में भी आपने देखा होगा कि 5 मूलांक वाले लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं, और ये अपनी बात के पक्के होते हैं। इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अपनी बात के पक्के है, अगर किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो उसको जरूर पूरा करते हैं। और 5 नंबर वालों की अगर, और जो मूलांक है बाकी के मूलांक वाले, 5 नंबर वाले अगर उनका दोस्त है, उनका फ्रेंड है, तो सामने वाले की प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि 5 नंबर वाले इतने सुलझे हुए होते हैं कि वो दूसरों को सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं। तो जीवन में सभी को अपने 5, 14 या 23 इन डेट्स वालों में से किसी एक को तो अपना फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड जरूर बनाना चाहिए, संगीता क्योंकि जी, पांच मुझे एक दिमाग में मेरा प्रश्न आया कि आपने कैटेगरी जो बनाई थी 23, 14 और 5, 23 वाले ए कैटेगरी, 14 वाले बी कैटेगरी और 5 वाले सी कैटेगरी, ये इसका आधार क्या है, ये किस आधार पे कैटेगरी तैयार होती है? आपने पिछले बताया ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, तो नहीं, आप इस आधार बात पर इसका यही है। नहीं, देखिए, इसका आधार यह कि वो कौन से ग्रह को मेल से बने। अब देखिए, खाली 5 नंबर जो है उसके पास अकेला बुध ग्रह, क्योंकि वो 5 नंबर है। 23 नंबर जो है उसके पास चंद्र और देवगुरु और बुध, तीनों ग्रह है उसके पास। तो अगर आप न्यूमरो चार्ट भी बनाएंगे तो उसके न्यूमरो चार्ट में 2, 3 एंड 5 तीनों खाने उसके भर जाए। ऐसे ही जो 14 नंबर जो है, वो 14 नंबर में क्या है कि सूर्य और राहु, क्योंकि वो भी तीन, सूर्य, राहु और बुध, तो वो भी उसके भी तीन खाने भरेंगे, लेकिन उसके क्या है, सूर्य और राहु का खाना भरेगा। तो राहु थोड़ा वो ही होता है, लेकिन फिर भी तीन खानों का उसको बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसको ए, बी और सी कैटेगरी। अच्छा, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए, इस फॉर्मूले के हिसाब से कभी भी जो मूल मूलांक है वो हमेशा अकेले एक ग्रह को डिनोट करता है और वो हमेशा निम्न कैटेगरी में जाता है। हाँ मूल, हाँ, क्योंकि बाकी, हाँ, इसलिए बाकी मूलांक वाले जो है, और उसमें भी डबल डिजिट वाले जो मूलांक होते हैं, तो उससे क्या होता है कि चार्ट आपका थोड़ा बढ़ जाता है और उन ग्रहों की भी आपको पॉजिटिविटी मिलने लगती मैं है। समझ पा 9 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपका डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है तो 3 प्लैनेट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी आ जाते हैं, तो इसका आपको लाभ जरूर मिलता है जीवन। रहा हूँ। अच्छा, मतलब कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर माना जाता है अनुशास्त्री मुताबिक ग्रहों का। हाँ बिल्कुल, जी, आगे बढ़ते हैं। अब मूलांक 5 के फेवरेट कलर, फेवरेट नंबर्स की बात करते हैं ना। हाँ नहीं, अभी और मैं बताऊंगी कि मूलांक 5 वाले की थोड़ी कमी भी बता दूं कि ये जी लोग जो है, कमी तो मैं नहीं कहूंगी, ये लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, मेहनत कम करते हैं और फिजिकल मेहनत कम करते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं जीवन में, लेकिन फिजिकल मेहनत कम करते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर एक मैं फोन कॉल करता हूं और मेरा काम हो जाता है तो फिर मैं क्यों वहां तक भाग कर जाऊं, अगर एक फोन से ही मेरा काम हो जाता है। और ईश्वर की इतनी कृपा रहती है 5 नंबर वालों के कि वे एक फोन कॉल करते हैं और उनके बैठे बिठाए काम हो जाते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते, ऑफिस में बैठे बैठे ही अपना काम कर लेते हैं, फिजिकल मेहनत कम कर जिम जाए चले जाएंगे। इनका फेवरेट होता है कि भाई सुबह अपनी जिम, और सुबह अपना जो डेली रूटीन है, फिटनेस में बहुत अपना ध्यान रखते हैं और यंग दिखते हैं हमेशा, तो इसलिए ये सब भी इनकी पॉजिटिव बातें हैं। तो
हर अंग के साथ इनकी मित्रता रहती है, इनका कोई दुश्मन नहीं है, सभी के साथ मिलके रहते हैं, क्योंकि सेंटर में आता है ना 5 नंबर, 5 के ऊपर भी 4 नंबर है और 5 के नीचे भी 4 नंबर है, 1 से 9 तक अगर हम देखेंगे तो 5 नंबर जो है वो सेंटर में आता है। फिर ये लोग विदेश अनेक बार जाते हैं, 5 नंबर वाले, हवाई हाँ यात्रा का जरूर था। ट्रैवलिंग इनको पसंद है, विदेश अनेक बार जाते हैं, और इनको एक तो बॉसगिरी, अगर इनके ऊपर कोई रौब झाड़े ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं ये चाहते हैं कि वो खुद ही बॉस बने और बनते भी हैं, तो कोई इनके ऊपर अगर रौब झाड़ता है तो इनका मुंह लटक जाता है, तो इसलिए 5 नंबर वाले नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई बॉसगिरी करे, ये खुद अपने बॉस रहते हैं और ईश्वर की कृपा से ये लोग उच्च पद पे हमेशा आसीन भी होते हैं। अब मतलब आते हैं शासित होना इनको, पसंद नहीं है इन्हें, बिल्कुल आदेश शासित होना पसंद, देना हाँ शासित होना पसंद है जी। इनके लकी नंबर्स हैं 1, 3, 4, 5 और 7। अच्छा, 1, 3, 4, 5 एंड 7, ये सेवन 1, 5 के लकी नंबर। हाँ, और इनका जो लकी कलर्स है वो है लाल, हरा और सफेद। लाल, हरा और सफेद, ये 1 5 के लकी कलर्स। हाँ, इनके लकी कलर्स हैं। और मैं इनको एक दूसरी सलाह ये देना चाहूंगी कि ये लोग बुधवार के दिन हरे मूंग जरूर खाएं, क्योंकि ग्रीन कलर इनका है तो इससे इनकी एनर्जी जो है वो हमेशा बनी रहती है, और मूंग वैसे भी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो हरे मूंग जरूर खाएं बुधवार को। और रोज अगर ये लोग पौधों को पानी देते, क्योंकि पौधे भी ग्रीन कलर्स के ही होते हैं, तो अगर जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे इनकी इनकम बढ़ती है ऐसे कहते हैं, तो रोज अगर पौधों को पानी डालेंगे तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो 2 नियम इनको बना के रखने चाहिए कि बुधवार को हरे मूंग खाने चाहिए और रोज पौधों को पानी डालना चाहिए। तो ये 1 5 की बातें थी, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि संगीता शुक्ला जो ये खुदा इंडिया पर तो आती ही हैं, किंतु आप यदि अपने पर्सनल प्रोडिक्शन निजी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये है 7678427245। आप इस नंबर पर संगीता शुक्ला जी के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करें, एक नॉर्मल फी के एवज में आपका भविष्य और आपकी बताएंगे, इससे आपका करियर सुधरेगा, आपकी योजना बहुत फायदा होगा। हम जल्दी ही निदर्शक से नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।